भारत बंद रहेगा कि कहे कि जो एसटीएससी के जो आरक्षण पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है खिलवाड़ किया गया और आरक्षण को समाप्त करने का काम किया गया है, उसके विरोध में जो है आज संपूर्ण भारत में पूर्व घोषित के अनुसार आज पूरे भारत में जो है भारत बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज सारा चीज बंद रहेगा, रेल का चक्का जाम रहेगा, हवाई की पट्टी बंद रहेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? यहाँ हम लोग जो है आए हैं बंद को सफल बनाने के लिए हैं। यहाँ पर रेल को हम लोग जाम कर रहे हैं। कौन सा ट्रेन? बिहार संपर्क क्रांति है, जिससे जो है इसकी मैसेज दिल्ली की सरकार को जाए और वो भी सरकार होश में आवे। हम लोग का जो आरक्षण पूर्व में बहाल था उस हम लोग का आरक्षण जो पूर्व में था उसमें छेड़छाड़ न किया जाए, जो आरक्षण था मुझे वापस किया जाए। अच्छा ये बताएं कि कौन सा बैल है आप लोगों का? ये भीम आर्मी। क्या नाम है आपका? युगेश्वर पासवान। और इसीलिए हम लोग आज बिहार संपर्क क्रांति को रोकने आए हैं और हो सकता है तो हम लोग केंद्र सरकार को भी घेरने का काम करें। हम लोग इसलिए घेर रहे हैं कि संविधान के साथ वह बार बार जो छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया जो लागू की जा रही है, इसके विरोध में हम लोग बिहार संपर्क क्रांति को घेरने का काम कर रहे हैं। दरभंगा स्टेशन पे बिहार संपर्क क्रांति को हम लोग रोके हुए हैं। रोके हुए वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये जो आदेश दिया गया था कि ये जो क्रीमी लेयर लागू होगा शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन ये कतई यही सही नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो ये जो आरक्षण मिला था वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला था, छुआछूत के आधार पर मिला था, भेदभाव के आधार पर मिला था। मोच रखने पर मार दिया जाता है, अच्छी गाड़ी बुलेट पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, गोरी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है। एक आईएएस अधिकारी अगर शादी करने के लिए भी जाता है तो उसको पूरे पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ता है, ये भेदभाव है। तो हम लोगों के साथ इकोनॉमिक तरीके से हम लोग को ये आरक्षण नहीं मिला है। हम लोग को जो आरक्षण मिला है वो जो है अनटचेबिलिटी के आधार पर मिला है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको हम क्रिमिनल लेयर के आधार पर देंगे, जो कि ये कतई नहीं है। तो हमारी मांग है और दलित समाज की मांग है, और उग्र आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, पूरा भारत बंद किए हुए हैं, कि हम लोगों को किसी भी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्रिमिनल लेयर है इसको वापस करें, और हम लोग पूर्णतः फिर से ये आंदोलन को बंद करेंगे, और हम लोग का ये सम्मान स्वाभिमान के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में दिए हुए वो अधिकार हमको मिले, ये हमारे अधिकार से वंचित करने का काम नहीं करे। अगर सरकार अगर हम लोगों के अधिकार से वंचित करती है तो कोहराम मचा देंगे, और पूरा भीमवादी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं पूरे भारत में कोहराम मचा देंगे, और केंद्र में मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है, हम दरभंगा अम्बेडकरवादी स्टूडेंट यूनियन से जिला अध्यक्ष हैं।